अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे कहते हैं मोहम्मद सनाउल्ला। और आज आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जिसमें आप किसी भी नंबर का डेटा, मतलब उसका एड्रेस, उसका नाम, उसका CNIC नंबर हासिल कर सकते हैं। और उसी CNIC नंबर से आप जान सकते हैं कि उसके नाम पर कितनी सिम और कितने फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हैं। जी हाँ, ये 2016 का डेटा बेस है जिसमें SQL इंजेक्शन की मदद से ही हैक होती है वेबसाइट, जो कि ये वेबसाइट लीक हो चुकी है। ASP.S एडमिन का जो पासवर्ड होता है SQL इंजेक्शन की मदद से ये वेबसाइट हैक हुई है। इसका डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो जो साइट बनाने वाले को ही मालूम होगा, लेकिन लोग कहते हैं कि इसका जो पासवर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ, वो नहीं है पासवर्ड इसका। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि कैसे किसी भी नंबर का डेटा कैसे निकालें। इधर एक आपने लिंक लिखना है, tinyurl.com/mumk। ये शॉर्टन URL है, मतलब यहाँ मैंने वो लिंक पेस्ट किया tinyurl में और उधर से ये लिंक निकला कि फेसबुक ब्लॉक कर दी थी कुछ लिंक, तो उस लिंक को आप यूज़ करने के लिए, फेसबुक को इस्तेमाल करने के लिए शॉर्टन URL यूज़ करते हैं। इसको सर्च कर दें, ये वेबसाइट खुलने में टाइम लेगी थोड़ा, पर ये खुल जाएगी। और इसका पासवर्ड क्या होगा वो भी बताऊँगा। ये देखें, ये इसका जो रियल जो लिंक हैगा वो ये है, https लिखना है, :// 119.153.108.219 इसका रियल लिंक है। लेकिन मैं दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखें, साइट खुल चुकी है। अब देखें, जो बनाने वाले का नाम भी इधर होगा पर वो नहीं आ रहा क्योंकि मोबाइल साइट है। अब देखें, मैं आपको बता दूं कि पासवर्ड है क्या। ये देखें, ये पासवर्ड है 0 और या आप दिख रहा है, ये SQL इंजेक्शन की मदद से ये हैक हुआ है। ये इसका जो पासवर्ड है ये लीक नहीं हुआ। और इसका जो आप इसका एक और दो तीन पासवर्ड हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप चेक कर लीजिएगा बाकी। और ये इसी पासवर्ड से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। साइन कर लेता हूँ। इस साइट थोड़ा स्लो स्लो है साइट। किसी भी अननोन नंबर का आप डेटा निकाल सकते हैं इस साइट की मदद से। बहुत सी एप्लीकेशन आपने देखी होगी, एप्लीकेशन ट्रू कॉलर ऐप, ये सारी बकवास एप्लीकेशन है। जो वर्किंग वीडियो होती है वो आप लोग देखते नहीं हैं और फेक वीडियो की तरफ भागते हैं। अब देखें, ये खुल चुका है, इसमें लिखा आ रहा है इंटर मोबाइल नंबर या CNIC नंबर। अब मैं कोई भी नंबर डालता हूँ, अननोन नंबर, ये नंबर मुझे नहीं पता ये है भी ये नहीं, पर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मोबाइल नेम CNIC एड्रेस नेटवर्क, ये आपके सामने आ जाएगा। साइट वर्किंग में बहुत स्लो है, पर आप नेट स्पीड जो आपकी तेज़ होगी तो वो उसमें ठीक चलेगी। बाकी अगेन इस पर सर्च कर लेते हैं। इसमें देखें, नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब कि ये नंबर इस डेटाबेस में नहीं है। कोई दूसरा नंबर ट्राई कर लेते हैं।
इसमें बताता चलूं कि 2016 और उससे जो नीचे हैं 2014, 12, 15 इस साल की, क्योंकि 2017 शुरू होने से पहले ये साइट लीक हुई थी, सो ये 2017 का डेटा इसमें नहीं होगा। बाकी 2016 से नीचे के जो ईयर्स हैंगे उनका डेटा आपको इसमें मिल जाएगा। सो जैसे कि आपके सामने दो तीन नंबर डाले तो नो रिकॉर्ड फाउंड आया। अब मैं एक और नंबर डालता हूँ, 0333, कुछ भी ले लें, या जो भी आपके पास नंबर आपको याद हो। क्यों, मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर 2016 का है, 2015 का है, 2017 का है। अब मैं खुद ही ट्राई कर आपको दिखा रहा हूँ। सॉरी, ज़ीरो नहीं लिखना था, ज़ीरो रिमूव करके ट्राई करते हैं। हाँ जी, देखें आपने ज़ीरो नहीं लिखना, ज़ीरो लिख रहा था जिसकी वजह से ये नंबर नंबर आपका ठीक नहीं था। ज़ीरो नहीं लिखना आपने नंबर से पहले, कोई भी नेटवर्क हो आपने नंबर नहीं लिखना। अब देखिए ये इमरानुल हक सिद्दीकी और इसका एड्रेस आ रहा है और ये आप देख सकते हैं यू नेटवर्क। अब दूसरा कोई नेटवर्क हम चेक कर लेते, दूसरा हम कोई दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं इसी की। अब देखें मोहम्मद काशिफ, मैंने इसी, सो आप देख सकते हैं इधर ये नेम, फोन नंबर और CNIC नंबर, इसमें एड्रेस नहीं दिया गया, लेकिन आप दूसरे नंबर्स देख सकते हो, उसका भी एड्रेस वगैरह देख सकते हैं कि इस डेटाबेस में है या नहीं। सो जैसा कि मैंने कहा था कि ये SQL इंजेक्शन की मदद से ये वेबसाइट हैक हुई है। इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एडमिन ही को पता होगा कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या है। सो बाकी इसके एक दो पासवर्ड और है मेरे पास, वो भी मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करने से ये होगा, जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और लाइक करने का ये फ़ायदा होगा कि मुझे पता चलेगा आपको वीडियो अच्छी लग रही है। लाइक करके बताएं और डिसलाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती, और कमेंट करके बताएं भाई वीडियो ठीक है, और या कोई चीज़ आपको पूछनी है वीडियो वीडियो की कमेंट सेक्शन में, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।